brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जिस सीट को लेकर पिछले कई दिनों से बेहद चर्चा थी कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं, उसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सूत्रों ने बताया कि उनका टिकट काटा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है। इस बीच यूपी की सबसे चर्चित केसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर बड़ी खबर है। यहां बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह की उम्मीदवारी पर सहमति बन सकती है। बड़े बेटे प्रतीक पहले ही बीजेपी से विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान की ब्रजभूषण शरण सिंह से कैसरगंज लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर फोन पर बात हुई। ब्रजभूषण के छोटे बेटे को कैसरगंज से पार्टी लोकसभा का टिकट दे सकती है। ब्रजभूषण सिंह कैसरगंज से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनके टिकट को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले टिकट काटे जाने की अटकलों पर ब्रजभूषण ने पार्टी आलाकमान से कहा था कि मेरी क्या गलती है। वहीं टिकट में देरी पर ब्रजभूषण ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। टिकट के लिए एक दावेदार मैं भी हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि बाद में पार्टी हाईकमान और ब्रजभूषण के बीच दिल्ली में भी बातचीत हुई और अब बेटे के टिकट को लेकर फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। ब्रजभूषण का केसरगंज के अलावा आसपास के 3-4 सीटों पर खासा प्रभाव है। बताते चले कि यूपी की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों को दी गई हैं। बीजेपी ने अब तक 73 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सिर्फ केसरगंज और रायबरेली को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, यहां बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होना बाकी थे। केसरगंज और रायबरेली सीट पर 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। ब्रजभूषण सिंह 2 बार गोंडा, 1 बार बहराइच और 1 बार कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार सांसद रहे। वो पहले भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। कैसरगंज सीट से अपना पहला चुनाव ही ब्रजभूषण ने सपा के टिकट पर जीता था। कैसरगंज सीट पर सपा ने भी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वहीं बसपा ने आज सुबह ही नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।